हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बालू थापा एंड आई नो अभी तक आपको मालूम चल चुका है कि मार्केट में एक न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया। जी हाँ गाइस, इंडिया में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑलरेडी है जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता नहीं कोई तो भी स्पेशल आ चुका है मार्केट में जिसको बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है एंड उसको जॉब भी मिलने लग गए हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है? यू नो दैट इज योर AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड जिनको की कॉग्निशन कंपनी ने बनाई है एंड आप देख सकते हो 12 मार्च अभी आज क्या 14 है, लाइक परसों के दिन ही उन्होंने उसको ट्विटर में उन्होंने इस तरीके से अनाउंस किया। अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है एंड यहाँ पे एक वीडियो है गाइस, ये मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन में एक डर है कि क्या आप हमारा जो जॉब है वो खतरे में तो नहीं है। क्योंकि जब ChatGPT 4 आया, 4 तो क्या बाद में आया, जब 3 आया तब भी ये क्वेश्चन उठा, जब फिर गूगल ने उसको टक्कर देने के लिए बार्ड अभी Gemini, फिर मतलब हर बार ये क्वेश्चन उठ रहा है, जब भी कोई एक नया AI आता है वो क्वेश्चन उठ जाता है, अरे मेरा जॉब तो गया। तो क्या आपका जॉब रियली में खतरा है, क्या आप जॉबलेस हो सकते हो या नहीं, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस आप एक बार ये वीडियो को देख लीजिए। Hey, I'm Scott from Cognition AI and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging and then uses this to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can deploy a website advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard. All right, guys. I guess इतना enough है इतना, you know. So, guys, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये starting point था Scott, basically कोई manager होंगे या client, जो भी आप कह लीजिए, basically एक prompt देना जरूरी है, requirement देना जरूरी है कि Devin, हम basically ये हमारी requirement है, हमारे project का requirement, आप इसको create करो। हम वो एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके बाद होता क्या है ना, जैसे इन ChatGPT 4 के साथ क्या होता है, हम प्रॉम्प्ट दिए, हमने कोई भी रिक्वायरमेंट दी, उसके बेस पे हमें वो सोल्यूशन देता है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कोड में, उसको इम्प्लीमेंट करते। बट यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप को ऊपर ले लिया, जहाँ पे अब हमें कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, हमें बस एक बार प्रॉम्प्ट पास करना है, एक क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्या बोलना कि हमें क्या प्रोग्राम चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है, बस वो हमें प्रॉपर तरीके से लिख के देना है। उसके बेस पे ये जो Devin है, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो फिगर आउट करता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर या इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे किस किस चीज़ों की नीड है, उसके बेस पे इसका अपने पास बेसिकली Devin के पास अपना खुद का वर्कस्पेस है, अपना खुद का सिस्टम है, आई गेस जिस तरीके से दिखाया है, एंड जो एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट उन्होंने दिया जिसमें इसको लगने वाला था टर्मिनल, एंड देन देयर उसके पास अपना खुद का कोड एडिटर है एंड एक इंडिपेंडेंट ब्राउजर भी है। तो मतलब वो कमांड भी लिख रहा है, कोड भी कर रहा है एंड उसको चेक कर रहा है रन करने के लिए कि प्रॉपरली वो चल रहा है यानी ब्राउजर में, तो ब्राउजर में रन करके भी देख रहा है एंड एट द एंड आई गेस उसने डिप्लॉय भी कर दिया। तो मैं इतने डीप में अभी तक इस पर नहीं गया हूँ, बट हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि ChatGPT 4 जो था और इसमें डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे भी वो हमें ये सारा सोल्यूशन दे रहा था, इट जस्ट ये जो कोड एडिटर पे रन करना, टर्मिनल पे वो कमांड लिख के रन करना, वो हम खुद से कॉपी पेस्ट एंड देन हिट करते थे हम खुद से, यहाँ पे Devin वो करके दे रहा हमें, तो समझ रहे हो। एंड एक चीज़ इन्होंने ये बताया एंड डैट इज़ कि अगर हम थोड़ा और आगे चलते, डिप्लॉय भी कर रहा है वो, चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे फर्दर जाते तो ये देखिए बहुत खुश है ये CEO Cognition कंपनी की, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे जो ChatGPT 4 से 1.74% जो है रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस, आप समझ रहे हो जो एक आप कहीं ना कहीं आप इसको बस मोटा मोटी ऊपर से इतना समझ लीजिए, लेट्स से आउट ऑफ 100 1.74% जो वर्क है वो ये कर पाता है, प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, वहीं Devin जो है 13.86%। ये गाइस यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा एंड वो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा, क्या आपको घबराना चाहिए या डरना चाहिए या नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स इमेजिन आप 12th क्लास का बोर्ड का पेपर देके घर पे बैठे हो
कल के दिन आपका जो है रिजल्ट लाइव होने वाला है। एंड लेट्स इमेजिन कल का दिन आ गया एंड आपने अपना जो भी आपका आईडी नंबर था आपने एंटर की, आपको आपका रिजल्ट आ गया। आउट ऑफ 100 आपको मिले हैं 13.86%। आप खुशी से नाचोगे, यस, या अबे ये क्या हो गया, मतलब या आप प्रेशर या टेंशन या आप रोने बैठोगे। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि 12th क्लास में CBSE बोर्ड में तो 33% है, एंड मैं तो CBSE बोर्ड से था, बाकी का मुझे आइडिया नहीं आएगा, वहाँ पे 40% भी हो सकता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये कि 33% से अगर कम आ गया मतलब फेल है, वापस 12th हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। सिंपल, राइट? समझ रहे हो? एंड अगर आप लेट से आप 40 या 50 के बीच में आपका नंबर आया भी, लेट से आपको 45% आ गया और आप पास हो गए, तो भी क्या गाइस आप खुश हो जाओगे, आप खुश रहोगे? नहीं, आपको लगेगा अरे यार अब मैं क्या करूँ, सिर्फ 45%, घर वाले मारेंगे मुझे। तो गाइस जब आप 45% ला के भी खुश नहीं हो, आपको लग रहा है यार मैं तो क्या, मेरी जिंदगी वेस्ट है, वहीं अगर एक AI ये बोल रहा है कि आउट ऑफ 100 में 13.86% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो आप फिर उससे क्यों डर रहे हो? आपको क्या आप पे इतना भी भरोसा नहीं है कि भाई एटलीस्ट 100 में मैं तो एटलीस्ट 50 तो कर लेता हूं मैं, ये तो फिर भी सिर्फ 13 कर रहा है, 14% कर रहा है। अब एग्जैक्टली मैं सिर्फ मोटा मोटी बात कर रहा हूं, इसको एकदम डेप्थ में ले जाके अरे अभी क्या हवा गप दे रहा है ये मत बोलिएगा, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आगे जाने वाले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में क्या हो, ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा वो नंबर, तब शायद कुछ खतरा हो सकता है, बट फिलहाल अभी तो गाइस मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल भी मत घबराइए, उल्टा ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो तो अपने काम का भाई छोड़ यार कल देख लूँगा, कोई नहीं कंपनी यार इंटरव्यू तो मेरा 1 महीने बाद है, अभी थोड़ा चिल करता हूँ, 10 दिन पहले इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूँगा, तो वो माइंडसेट अगर अभी भी आप रखते हो देन गाइस फिर तो मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि आप देख सकते हो ना, रिप्लेस आपको कोई AI नहीं करने वाला, रिप्लेस आपको वो करेगा जिसको AI चलाना आता है, सिंपल यही है, हर कोई यही आपको बोलेगा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो वो जो प्रॉम्प्ट है ना कि डेविन को भी, तो ये देखो ना स्कॉट बेसिकली जो भी है मैनेजर कह लीजिए या क्लाइंट जो भी होंगे, इन्होंने भाई ये डेविन को बताना तो पड़ेगा भाई तुझे क्या बनाना है प्रोजेक्ट के नाम पे, तो वो आप बन सकते हो। बेसिकली बस इतना मैं चाहता हूँ आपसे कहना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, बस आप ये देखिए कि ये जितने भी AI टूल्स आ रहे हैं इसको मैं अपने फायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इट जस्ट गाइस मुझे लगता है बिहाइंड द सीन में भी ChatGPT ही यूज़ हो रहा हो इसमें, इन्होंने जस्ट कहते ना जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल। अब वही हो रहा है यहाँ पे, लाइक अपना खुद का टर्म, बेसिकली अपना खुद का एक वर्क स्पेस मिल चुका है डेविन को, दिखा रहा भाई रियल टाइम ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, लेकिन वो कोई एकदम आई डोंट नो गाइस, इन्होंने वेटिंग लिस्ट पे रखा हुआ है कि जिसको भी ट्राई करना हो तो अपना वो वेटिंग लिस्ट पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वो अभी ज्वाइन करके रखा हुआ है, जब आएगा तो हम तब देख लेंगे, बट फिलहाल आपको घबराना नहीं है। एंड मैं जस्ट ऐसी पोस्ट देख रहा था, यहाँ पे लिखा है देखो इन्होंने, ये गाइस यहाँ पे आप एक पोस्ट देख सकते हो 1 घंटे पहले का ही है, जहाँ पे दिखाया गया है कि जिस कंपनी ने डेविन को बनाया था बेसिकली कॉग्निशन API, वो कंपनी खुद ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं और ज़्यादा, ताकि वो और बेटर इसको बना सके। तो आप समझ रहे हो गाइस, जो कंपनी डेविन बनाने के बाद भी अगर ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रही है तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, अभी तो बहुत टाइम है, और स्पेशली आई गेस इन इंडिया में तो अभी और समय लगेगा इन सबको एकदम बूम होने में। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इट जस्ट गाइस आप इसको बस एक अलार्म समझ लीजिए कि अब से जो है मुझे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उल्टा मुझे अपना जो बेसिक्स है उसको और क्लियर करना है। सो डेट्स वाई गाइस मैं बताना चाहूँगा कल के दिन में लॉजिक बिल्डिंग कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल थापा टेक्निकल पे। सो या गाइस उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वन फाइनल टाइम बस इतना कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इट जस्ट ये जो भी AI आते हैं इसको आप कैसे अपने लिए यूज कर सकते हो उस पे आपको फोकस करना है, एंड आप अपना बस बेस्ट दीजिए, ठीक है। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भर भर के शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो बिल्कुल भी ना घबराए, कुछ नहीं होने वाला है, अभी देखा जाएगा 5-10 साल बाद, बट अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।